पिछले स्मैकडाउन को देखते हुए अब जे उसो रोमन रेंस या फिर सैमी ज़ेन में से किसका साथ देंगे? आखिर क्या जे उसो अपने भाई को छोड़ देंगे? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले रॉयल रंबल के बाद जे उसो सीधा स्मैकडाउन में रिटर्न करे थे और जिमी उसो का साथ देते हुए स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स को भी रिटेन किया था। इसके बाद जब स्मैकडाउन के बैक स्टेज जिमी ने जब जे उसो से पूछा कि क्या तुम अब ब्लड लाइन के साथ हो, पर जे उसो इग्नोर करते हुए सीधा वहां से निकल गए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रॉयल रंबल में सैमी ज़ेन की वजह से जे उसो रोमन रेंस से काफी ज्यादा नाराज हुए थे और वो अभी भी ट्राइबल चीफ से काफी नाराज दिखाई दिए। इसके बाद बैक स्टेज सैमी ज़ेन की मुलाकात जे उसो से हुई और सैमी ज़ेन ने कहा कि आने वाले एलिमिनेशन चैम्बर में मैं ट्राइबल चीफ को खून के आंसू रुलाऊंगा और मुझे ये भी पता है कि तुम भी रोमन रेंस को हारते हुए देखना चाहते हो। जे, मैं तुझे एक्नॉलेज करता हूँ। इस तरह से जे उसो ने सैमी ज़ेन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करी और जे उसो को रोमन रेंस के खिलाफ करना चाहा, लेकिन जे उसो की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगा कि वो ना तो ट्राइबल चीफ की तरफ है और ना ही सैमी ज़ेन की तरफ। इसलिए WWE के सभी फैंस के मन में एक ही सवाल था कि अगर एलिमिनेशन चैम्बर में जे उसो आ गए तो वो रोमन रेंस या फिर सैमी ज़ेन में से किसका साथ देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एलिमिनेशन चैम्बर में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जे उसो मैच के दौरान इंटरफेयर करके सैमी ज़ेन पर हमला करके रोमन रेंस की मदद करे और इस तरह से सैमी ज़ेन का पूरा गेम बर्बाद हो जाएगा और एक बार फिर से जे उसो ब्लड लाइन में शामिल हो जाएंगे। और ये बात तो तय है कि जे उसो अंत में अपने भाइयों को ही चुनेंगे, क्योंकि सैमी ज़ेन और जे उसो की दोस्ती कुछ ही दिन पुरानी है, इसलिए वो छोटी सी दोस्ती के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते।